अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहसन इकबाल। आज मदीना में दूसरा दिन है, तो अभी जो है मगरब का टाइम होने वाला है। सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, अभी मैंने सोचा यार ब्लॉग शुरू कर ही लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो मार्केट से यहाँ पे देखी हैं। खजूरें मैंने रेट पता करना था, एक शॉप मिली है, बड़ा उसने अच्छा रेट बताया है, और खजूरें भी सही बड़ी बड़ी मोटी मोटी। तो जाते हुए ट्राई करूँगा उसी शॉप से ले लूँ, क्योंकि और शॉप से मैंने देखा बड़े महंगे जो है ना वो रेट्स हैं, स्पेशली जो इस तरफ जो ये जो एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पे शॉप्स हैं बहुत महंगी हैं। यहाँ कहते हैं कि जो यहाँ पे होलसेल मार्केट है तो वहाँ से सस्ती मिलती हैं, लेकिन एक यहाँ पे शॉप मिली है वो मुझे होलसेल का ही रेट लगता है, जो होलसेल भी लोग जिस तरह रेट दे रहे होते हैं। 25 रियाल की जो है वो अजवा, और 12-13 रियाल की जो है वो सुकरी खजूर, और 17-18 रियाल की किलो जो है वो सुगई खजूर, और ममरून थी वो बड़ी बड़ी इतने साइज़ की, तो वो बड़ी मुझे सही लगी थी। लेकिन वो ये क्या, मैंने उससे पूछा कि फ़्रेश हैं या नहीं है, तो कहता है कि 8 महीने पहले की बड़ी हैं ये, और अभी 4 महीने बाद आएंगी फ्रेश, क्योंकि साल में एक ही बार उतरती हैं पौधों से। तो देखता हूँ कि फ़्रेश जो है वो, देखने में तो सही लग रही थी, अभी जाके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ वो कैसी है। ये देखें इस तरह की, ये मदीना में चला, इधर मस्जिद में भी चला दी हैं लोगों के, इधर उधर लेके जाती हैं। ये देखें, मैं ये जो मस्जिद बन रही है ना, ये साइड पे मस्जिद है, ये पता नहीं होटल है क्या है, होटल लग रहा है ये। मैं 2016 में 15 में जब आया था तब से बन रहा है, और अब 2024 है। ये देखें आप, ये जो है ये सामने, पिछले ब्लॉग में जो मैंने बताया था कि वो पुराने गेट से हम आते जाते थे, वो इस तरफ है। ये इस तरफ जो है ना वो रोज़ा रसूल है, ठीक है, और आप ये देखें अम्ब्रेलास। भाई यहाँ जो है ना अपना ही एक नज़ारा है, फीलिंग्स ही अलग हैं। यहाँ पर तकरीबन 7-8 दिन का स्टे है, फिर उसके बाद जो है हमने निकल जाना है मक्का में, वहाँ पे फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने की। यहाँ पे तो ज़्यादातर जो एक्टिविटी है ना वो नमाज ही है, या आप कुरान पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, और क्या कहते हैं रियाज़ुल जन्ना का जो है ना विज़िट कर लें, वहाँ पे जाके नफल अदा कर लें। उसके लिए परमिट लेना पड़ता है, परमिट का यार बड़ा बैड सीन होता है कि साल में एक ही बार ये अलाउ करते हैं, आप दूसरी बार अगर जाना चाहें तो एक साल के बाद, अभी तो यही रूल है, क्या पता बाद में जो है वो रूल चेंज कर दें। ये देखें ये ग्रुप आया है, कोई कंट्री पता नहीं कौन सा है, किसका ग्रुप है, किस कंट्री का। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मनाज़िर हैं। ये इस तरफ जो जगह बनी है सारी ख़वातीन के बैठने की है, ये भी सब ख़वातीन के बैठने की जगह है। दिस इज ग्रुप, देखें ये भी वीडियो बना रहे हैं। ये वो फैन जो फुहार छोड़ते हैं मज़े मज़े की ठंडी ठंडी।
बस ये जो व्लॉग है ना, बस आपको मस्जिद नबी का विज़िट है इसमें करवा रहा हूँ। और अगर कोई मज़ीद कोई मैंने ये देखें, खूबसूरत चेक करें आप। मेरे साथ व्हीलचेयर है, अम्मी को लेके आया था, अम्मी को फीमेल्स वाले सेक्शन में छोड़ा है। कल से हम आए हुए हैं तो अभी आज अभी फर्स्ट टाइम अम्मी जो है ना मस्जिद के अंदर गई हैं, बाहर तो आते रहे हैं लेकिन रश बहुत ज़्यादा था। अभी नमाज से तकरीबन एक डेढ़ घंटा पहले हम यहाँ पे पहुँच गए मस्जिद में, तभी जो है अंदर जाने के लिए जगह मिली, वरना अगर नमाज से आधा घंटा पहले भी आओ ना तो तब भी आपको जगह नहीं मिलती, फुल हो जाती है। ये देखें इस तरफ जो है ना, ये सामने जो ये पीछे दीवार नज़र आ रही है, जन्नतुल बकी है कब्रिस्तान जो है। ये देखें ये जो पानी के ग्लास वगैरह पड़े हैं, यहाँ से आप पानी पी सकते हैं, लेकिन ये आब ज़मज़म नहीं है, ये जो है आब ज़मज़म के अलावा दूसरा पानी है। लेकिन अगर आप आब ज़मज़म अगर आपने पीना है ना, तो जहाँ पे लोग बैठे होते हैं ना यहाँ, तो इसके अंदर वो वाटर कूलर पड़े होते हैं, या मस्जिद के अंदर जो है वाटर कूलर पड़े होते हैं, तो उसके अंदर आब ज़मज़म जो है ना, वो वहाँ से आप जाके आब ज़मज़म मस्जिद नबी में पी सकते हैं। ये देखें जी, ये जो पोर्शन आ गया ना यहाँ पे, ये सब जेंट्स की जगह, मर्द हज़रात जो है ना वो यहाँ पे मस्जिद में अंदर जा सकते हैं। ये टॉयलेट मेंस टॉयलेट है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत मंज़र है। आई फील लकी कि मैं सेकंड टाइम आया हूँ और वो भी हज के लिए। यहाँ पहुँच कर साय में हम पहुँचा हूँ ना, तो ठंडी हवा लग रही है, पीछे ज़रा गर्मी लग रही थी। देखें माशाल्लाह से, ये देखें तमाम हजाज कराम। इस वक्त रश कम है लेकिन अगर नमाज का टाइम हो जाए ना, तो फिर पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती। ये देखें ये भी एक ग्रुप आया है, कंट्री पता नहीं कौन सा है, मलेशियन है या उज़्बेकिस्तानी है पता नहीं। अभी आपको एक सबसे प्यारा जो मंज़र है ना मस्जिद नबी का, वो दिखाता हूँ। ये देखें अभी ये थोड़ा सा आगे आपको एक लंबी लाइन नज़र आएगी,
देखे से माशाल्लाह से। ये देखें जी जनाब, ये है जी मस्जिद नबी का सबसे खूबसूरत मंज़र। अभी छतरी की वजह से सब्ज़ गुंबद जो है छतरी के पीछे छुपा हुआ है। ये इस तरफ जो है ना, ये इन छतरी के पीछे सब्ज़ गुंबद है रोज़े रसूल। दूसरी साइड पे जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ये खूबसूरत मंजर है। ये भी ये देखें, ये पता नहीं किस कंट्री के हैं। चेक करें आप, ये भी कोई ग्रुप है किसी एक कंट्री का। ये बड़ा अच्छा लगता है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग आते हैं यहाँ पे और मुनज़्ज़म तरीके से ये खाना खाते हैं, मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग यहाँ पे हर जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम पाकिस्तानी इनसे सबक सीखना चाहिए। हमारे जो हैं बस अपने अपने भागदौड़ में लगे होते हैं। देखिए आपको खूबसूरत मंजर मैं दिखा रहा हूँ, सब्सक्राइब मस्ट कर देना प्लीज़। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो लाइन यहाँ से ये चलती चलती जा रही है ना, ये घूम फिर के वो लास्ट व्लॉग में भी मैंने शायद बताया था कि ये जाते हैं रोज़ा रसूल पे सलाम फेरने के लिए और रियाजुल जन्ना में जाने के लिए। रियाजुल जन्ना में जाने के लिए स्पेशल परमिट लेना पड़ता है इनकी नुस्क ऐप से। आधे आधे घंटे की गैप से अपॉइंटमेंट मिलती है इसके अंदर नुस्क ऐप में। आज है डेट 16 मई 2024। यहाँ से धूप की वजह से क्लियर नहीं हो रहा। बहरहाल देखें रोज़ा रसूल। अपोजिट साइड पे जाना पड़ेगा रोज़ा रसूल को क्लियर पिक्चर लेने के लिए। बहुत से मुल्कों से हजाज कराम आए हुए हैं। मैं स्पेशली आपको जो है ना गुंबद-ए-खिज़्रा दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ दूसरी तरफ। हालांकि इस तरफ से सूरज बहुत तेज़ पड़ रहा है आँखों में। ये देखें, ये कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इस तरफ जो मस्जिद की बैक साइड पे है ना, सारी मस्जिद कह रहा हूँ, जो पुरानी बिल्डिंग्स थी ना वो गिरा के, मार्केट्स गिरा के
सारी नई कंस्ट्रक्शन की है, नई डेवलपमेंट हुई है, बहुत ज़बरदस्त बना दिया। यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक कलर आ रहा है सूरज की वजह से, बस थोड़ा सा रह गया है। ये देखिए माशाल्लाह से शायद थोड़ा क्लियर हो गया। अब माशाल्लाह से देखें यहाँ पे सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। ये मैंने अभी सारी अनकट वीडियो बनाई है, यहाँ से अब बिल्कुल क्लियर है। सब लोग, सब भाई जो है ना कमेंट में दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ें, कमेंट में दुरूद शरीफ जो है वो टाइप करें माशाल्लाह से। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपको मैंने ज़्यारत करा दी है, आपने अब मस्ट सब्सक्राइब करना है, कमेंट में जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ें आप। सख्त धूप अभी लग रही है आंखों में, तो भाई वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे। जो है ना सब्सक्राइब मस्त कर दें और लाइक और बेल आइकन मस्त, ठीक है, क्योंकि अभी मक्का में भी जाना है, काफ़ी जो है ना आगे वीडियोस आएंगी अच्छी अच्छी, तो आपने मिस नहीं करनी है, इसलिए उसके लिए सब्सक्राइब मस्त करना पड़ेगा। ओके अल्लाह हाफिज़। भाई लोगों की तस्वीर लेने लगा हूँ, देखें चेक करें जी माशाल्लाह से। ये भाई मेरे उज़्बेकिस्तान से हैं, सॉरी कज़ाकिस्तान बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े नाइस है, काफ़ी गपशप की है वो भी गूगल ट्रांसलेटर के साथ से, तो अब इसे इनके साथ पिक्चर लिए, देखें आप कैसी बनाई हैं। ठीक है भाई, ओके अस्सलाम वालेकुम। अभी चेक करें भाई, थोड़ा शाम का वक्त हुआ है ना, तो आप सही क्लियर नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। मैंने कहा यार लास्ट टाइम अभी मस्जिद में मगरिब का वक्त होने वाला है, तो मैंने कहा यार आपको एक बार फिर से जो है ना जाते जाते आपको ये प्यारा सा मंज़र दिखा दूं। माशाल्लाह बोल के कमेंट्स में माशाल्लाह बोलें, कमेंट्स में जो है वो दुरूद शरीफ आप पढ़ें, सलाम फेरें माशाल्लाह से।